तो वेलकम गाइस, आज मैं आप लोग को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन यूज करके कुछ इस तरह का क्रिएटिव फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। और ये वाला एडिटिंग आप लोग को सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, तो आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। और ये वाला बैकग्राउंड कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं आप लोग को वीडियो का एंड में बताऊँगा। और अब चलिए शुरू करते हैं एडिटिंग। सो गाइस, पहले क्या करेंगे ना, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पे बैकग्राउंड को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अभी ऐड फोटो में जाएंगे। जाने के बाद इधर जो मॉडल है, मॉडल को इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अभी कुछ इस तरह का बैकग्राउंड के साथ अच्छे से एडजस्ट करना है पहले, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद अभी क्या करेंगे ना, इधर जो इरेज वाला ऑप्शन है इसमें क्लिक करेंगे। फिर अभी क्या करेंगे ना, इसका जो इरेज है इस साइज को, हार्डनेस को बढ़ाएंगे और साइज को कम करेंगे। कम करने के बाद इसको कुछ इस तरह का है बैकग्राउंड हटाना है, इरेज करना है। फिर मैं आप लोग को इरेज करके बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप अभी क्या करना है। और तब तक इसको पूरा अच्छे से इरेज कीजिए। मैं थोड़ा स्पीड कर दिया हूँ और पूरा रफली भी मैं एडिटिंग बैकग्राउंड इरेज कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से इरेज कीजिए बैकग्राउंड, ठीक है। फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। अभी हो गया इरेज। होने के बाद अभी क्या करेंगे ना, इधर टिक वाला ऑप्शन पे अभी क्लिक कर देंगे। फिर अभी क्या करेंगे ना, लेफ्ट साइड में जो दिया है टिक वाला ऑप्शन इसमें क्लिक कर देंगे। फिर अभी क्या करेंगे ना, अभी जाएंगे इधर जो टूल दिया है मास्क, इसका ऊपर अभी जाएंगे। जाने के बाद इधर जो L7 लिखा है इसका ऊपर अभी क्लिक करेंगे। देन अभी क्या करेंगे ना, अभी इरेज वाला ऑप्शन पे जाएंगे। जाने के बाद अभी क्या करेंगे ना, मॉडल का ऊपर जितना भी येलो वाला लाइट आया है इसको हल्का सा इरेज करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह का अभी इतना कर देंगे। करने के बाद अभी क्या करेंगे ना, इधर टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन अभी क्या करेंगे ना, इधर टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर अभी क्या करेंगे ना, अभी जाएंगे इधर इफेक्ट्स में, ठीक है, सॉरी रीटच में जाएंगे। अभी जाने के बाद अभी क्या करेंगे ना, मॉडल को थोड़ा सा व्हाइट करेंगे। तो इसके लिए अभी जाएंगे स्किन टोन। स्किन टोन में जाने के बाद अभी क्या करेंगे ना, लेफ्ट साइड में जो ये वाला कलर वाला ऑप्शन दिया है इसका ऊपर क्लिक करने के बाद इधर व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद अभी इधर टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन अभी क्या करेंगे ना, कुछ मैं आप लोग को जैसे दिखा रहा हूँ इसका हार्डनेस और साइज को थोड़ा सा कम करके कुछ इस तरह का ड्रॉ करना है फेस में। अभी थोड़ा कम हो रहा है तो इसलिए मैं साइज बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद कुछ इस तरह का फेस में व्हाइट करेंगे, ठीक है। आप लोग को जितना चाहिए वो हिसाब से रख के इसको व्हाइट करना है, ठीक है। देख सकते हो पूरा व्हाइट हो गया। होने के बाद इधर टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन अभी क्या करेंगे ना, हेयर को थोड़ा बैकग्राउंड के साथ मैच करेंगे। उसके लिए हेयर वाला कलर का ऑप्शन जाएंगे। जाने का अभी ये वाला कलर भी सिलेक्ट करना है। करने के बाद अभी क्या करेंगे ना, इसका अमाउंट को इतना रखेंगे और सेचुरेशन को पूरा फुल रखेंगे। अमाउंट को हल्का सा बढ़ा देंगे, देख सकते हो हल्का सा रेड कलर टाइप का आ रहा है। आने के बाद इधर टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन अभी क्या करेंगे ना, फिर से अभी इधर टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इधर का अभी हो गया। अभी होने के बाद अभी क्या करेंगे ना, उसमें मैं PNG ऐड करूँगा। वो PNG मेरा टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ, उधर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ये वाला PNG, शेडो वाला PNG इधर आ गया। आने के बाद इसको कुछ इस तरह का नीचे एडजस्ट करके लगाना है। देन अभी क्या करेंगे ना, इधर जो लेयर वाला इसमें जाएंगे। जाने के बाद अभी इधर डुप्लीकेट जो लिखा है इसका ऊपर डुप्लीकेट करेंगे तो दो हो जाएगा। होने के बाद ये जो दो सेकंड वाला आया इसको कुछ घुमा के कुछ इस तरह का साइड में लगाने का, ठीक है, कुछ इसको भी एडजस्ट करके साइड में लगाने का। देन अभी क्या करेंगे ना, इधर टिक वाला ऑप्शन पे अभी क्लिक कर देंगे, ठीक है। करने के बाद फिर और एक PNG मैं यूज़ करूँगा, उसको भी मेरा टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ, उधर से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इधर आड़ वाला फोटो में जाएंगे। जाने के बाद अभी क्या करेंगे ना, अभी ये वाला PNG जो है राउंड वाला दिख रहा है ना, इसका ऊपर अभी क्लिक करेंगे। करने के बाद इसको भी कुछ इस तरह का बैकग्राउंड में लगाना है इसको, ठीक है। इसको इसे एडजस्ट करके फिर इसका हार्ड जो सॉरी क्या बोलते ऑपोसिटी को कम करके इधर इरेज वाला ऑप्शन पे अभी क्लिक करने का। क्लिक करने के बाद अभी क्या करेंगे ना, जितना भी मॉडल का ऊपर हुआ है ना इसको सब इरेज करेंगे। करने के बाद फिर अभी क्या करेंगे ना, इधर टिक वाला ऑप्शन पे अभी क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसका और थोड़ा सा ऑपेसिटी को कम कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, देख सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा कम करेंगे,
कम करने के बाद इधर टिक बल ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन अभी क्या करेंगे ना, अभी फिर जाएंगे इधर जो इफेक्ट्स दिया होगा इसमें अभी जाएंगे, ठीक है। नहीं फिर से अभी आर्ट वाला फोटो में जाएंगे। जाने के बाद अभी ये वाला जो लाइट है ना, लाइट को भी यूज करेंगे। इसको भी कुछ इस तरह का लगाएंगे। लगाने के बाद इसका अपेसिटी को भी कम करेंगे और थोड़ा सा बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद इधर टिक बल ऑप्शन जो दिया है इसमें क्लिक कर देंगे। देन अभी क्या करेंगे ना, अभी जाएंगे इफेक्ट्स में, ऊपर जो इफेक्ट्स लिखा है इसका ऊपर जाएंगे। अभी जाने के बाद इधर भी इफेक्ट्स लिखा है इसका ऊपर अभी क्लिक करेंगे। देन लास्ट में लिखा होगा बिगनेट, बिगनेट का ऊपर जाएंगे। अभी जाने के बाद अभी देख सकते हो साइड वाला जो कॉर्नर वाला उसमें ब्लैक हो गया। ब्लैक होने के बाद इसका फेड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और साइज को भी हल्का सा बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद अभी इधर टिक वाला ऑप्शन पे अभी क्लिक कर देंगे। ओके, अभी फाइनल गाइज पूरा फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो गया। आप लोग देख सकते हो ये है बिफोर का फोटो, ये है आफ्टर का फोटो। एडिटिंग के बाद कितना कमाल का एडिटिंग हो गया। और आप लोग को इसका बैकग्राउंड PNG जो भी यूज़ किया हो, जो भी चाहिए आप लोग को, मेरा टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, उधर जाके डाउनलोड कर सकते हो। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।